हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू बूस्टर सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल तलाक का जो बर्निंग टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज़ के थ्रू आप RC, वर्बल एबिलिटी, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिप्टिव पार्ट, करेंट अफेयर्स पार्ट, रीडिंग स्किल्स और इंटरव्यू स्किल्स, ये सारी चीज़ें अपनी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं एक ही वीडियो क्लासेस के थ्रू। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिप्टिव पाथ, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जो होता है SSC में और बैंकिंग एग्जाम्स में, उसके फैक्ट्स आपको यहाँ से काफ़ी मिल सकते हैं। करेंट अफेयर्स आपका क्लियर होगा। रीडिंग स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं इस वीडियो क्लास से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये पूरी सीरीज़ है और इसके प्रीवियस जो वीडियो क्लासेस हैं जो मैंने अपलोड किए हैं इस कोर्स में, उनको भी आप जरूर देखें और डेफिनेटली इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, ये है ट्रिपल तलाक इज क्रिमिनल ऑफेंस। ट्रिपल तलाक क्या है? जैसे मॉमडन्स में आपने सुना होगा कि जो मैरिड कपल्स होते हैं वो यदि तलाक देना चाहते हैं अपनी वाइफ को तो वो 3 बार तलाक 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 बोलते हैं और उनका तलाक हो जाता है। तो ये जो कस्टम था इसको अब ख़त्म किया जा रहा है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है, इमोरल माना है, इलॉजिकल माना है और पूरी तरीके से गलत माना है। तो इसको अब देश से ख़त्म किया जा रहा है क्योंकि ये एक गलत प्रथा है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं ट्रिपल तलाक। तो ट्रिपल तलाक को अब और आज के बाद से एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। एक आपराधिक मामला इसको माना जाएगा, एक अपराध इसको माना जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं द न्यू लॉ हैज सेफ गार्ड्स इंक्लूडिंग बेल टू द अक्यूज्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ट्रायल। देखिए, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है, जिस व्यक्ति ने अपनी वाइफ को तलाक दिया है, उसके पास भी, उसको ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसको जेल हो जाएगी, उसको ट्रायल का एक मौका दिया जाएगा कि ये जो केस जो है वो फेयर है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ सेफ गार्ड्स और कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं। तो एकदम से उसको जेल नहीं होगी, पहले उसका ट्रायल होगा और उसके लिए भी, हस्बैंड के लिए भी इसमें सफिशिएंट प्रोविजंस किए गए हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेल का अर्थ होता है जमानत, अक्यूज्ड का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है। अक्यूज्ड ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसमें ED फॉर्म होती है। वर्ब में जब हम ED लगा देते हैं तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। तो अक्यूज्ड का यहाँ पर मतलब होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है। बेल का अर्थ होता है जमानत। सेफ गार्ड मतलब उसको प्रोटेक्ट किया गया है लॉ के अंतर्गत। हस्बैंड जो है उसको प्रोटेक्ट किया गया है ताकि उसको किसी गलत केस में या गलत तरीके से फंसाया नहीं जा सके। तो जेल होने से पहले उसके ऊपर एक प्रॉपर ट्रायल होगी और उसके बाद उसको जेल भेजा जाएगा या जो भी सजा कोर्ट सुनाएगा वो उसमें होगा। तो यहां से हम देखते हैं द यूनियन कैबिनेट ऑन वेंसडे क्लियर्ड एन ऑर्डिनेंस दैट मेक्स तलाक आ बिद्दत और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक आ क्रिमिनल ऑफेंस दैट विल अट्रैक्ट अ मैक्सिमम जेल टर्म ऑफ 3 ईयर्स। इसमें सजा का प्रावधान है, इसमें 3 साल की सजा दी जाएगी। और मॉमडन कम्युनिटी में इसको तलाक ए बिद्दत हम बोलते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है उसको अब ख़त्म किया जा रहा है और 3 साल की इसमें सजा दी जाएगी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लेटर इन द डे गेव हिज असेंट। असेंट का अर्थ होता है अपना एग्रीमेंट देना, अपनी सहमति देना, अपना कंसेंट देना, ठीक है। तो इसको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसको गलत माना है और इसको अपना असेंट दे दिया है कि ट्रिपल तलाक की जो प्रथा है वो पूरी तरीके से ख़त्म अब हो जाएगी। द न्यू लॉ हाउएवर इनकॉर्पोरेट्स सेफ गार्ड्स, मतलब उसमें कुछ सेफ गार्ड्स भी रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि लड़की को या वाइफ को या महिला को सारे अधिकार दिए गए हैं। इसमें हस्बैंड या उनका उनका जो मेल काउंटर पार्ट है उसको सेफ गार्ड किया गया है, उनको प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये हम सारा पढ़ेंगे और यहाँ थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या है इसमें की प्रोविजंस, मतलब मेन चीज़ें इसकी क्या हैं। बेल प्रोसेस क्या रहेगा, जो जमानत का प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। वाइल द प्रपोज्ड लॉ विल रिमेन नॉन बेलेबल, बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड एट द पुलिस स्टेशन, द अक्यूज्ड कैन अप्रोच अ मजिस्ट्रेट फॉर बेल इवन बिफोर द ट्रायल। जब उसकी ट्रायल शुरू होगी कोर्ट में तो उससे पहले वो मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकता है और बेल के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसको जमानत दी जाए, उसको माफ़ किया जाए और आइंदा से वो ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सही है, इसमें की प्रोविजन यही हैं
कि वो मजिस्ट्रेट को ट्रायल से पहले अप्रोच कर सकता है और वहाँ पर सेटलमेंट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल, ठीक है, मेक्स इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इलीगल एंड इम्पोजेज अ जेल टर्म ऑफ अप टू 3 ईयर्स। इम्पोजेज का मतलब लगाना, उसके ऊपर एक सज़ा उसको दी जा सकती है जिसमें उसको 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है और इसको इल्लीगल माना गया है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है उसको इल्लीगल माना गया है। बाय द अग्रीव्ड अलोन, बाय द अग्रीव्ड अलोन मतलब जिसके ऊपर अपराध हुआ है। अग्रीव्ड मतलब जो दुखी है और जो उदास है, जो दुखी है, उसको हम बोलते हैं अग्रीव्ड। पुलिस कैन रजिस्टर द FIR ओनली वेन अ कंप्लेंट इज मेड बाय द विक्टिम वाइफ और हर ब्लड रिलेटिव्स। देखिए पुलिस जब FIR लिखेगी तो केवल उसी केस में FIR लिखी जाएगी जब या तो वाइफ जो कि विक्टिम है वो शिकायत करे या उनका कोई ब्लड रिलेशन। तो ये इसके की प्रोविजंस हैं। बेरिंग द हैचेट मतलब हम मामले को सेटल भी कर सकते हैं, हम मतलब हस्बैंड और वाइफ जो है वो मामले को सेटल भी कर सकते हैं। इफ़ द ऑफेंस इज कंपाउंडेबल द हस्बैंड एंड वाइफ कैन हैव ए सेटलमेंट बिफोर ए मजिस्ट्रेट, द केस कैन बी विड्रॉन। मतलब केस जो है वो ख़त्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है यदि हस्बैंड और वाइफ वहाँ पर सेटलमेंट कर लेते हैं। मतलब हस्बैंड बोल देता है कि ठीक है मुझसे गलती हो गई और मैंने गलती से ऐसा बोल दिया या मजाक में ऐसा बोल दिया, और वाइफ कहती है कि ठीक है मैंने आपकी गलती माफ़ की, तो वहाँ पर सेटलमेंट हो सकता है और उस केस में फिर वो केस ख़त्म हो जाएगा और उसको कोई भी सज़ा वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो इसमें हस्बैंड को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है ताकि उसको गलत तरीके से उसको फंसाया नहीं जा सके। तो हर तरीके से ये एक बैलेंस्ड एक एक्ट बनाया गया है और बहुत ही अच्छा ये एक एक्ट लाया गया है। आगे हम देखते हैं इंक्लूडिंग अ प्रोविजन फॉर बेल टू एन अक्यूज्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ट्रायल। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि इसमें एक प्रोविजन किया गया है कि अक्यूज जो है, ठीक है, उसको बेल मिल सकती है ट्रायल से पहले। व्हाइल इंस्टेंट ट्रिपल तलाक विल कंटिन्यू टू बी अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। इंस्टेंट जो ट्रिपल तलाक है उसको अभी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। एक तो तलाक ऐसा है कि आपने डिस्कस कर लिया, ठीक है हम तलाक ले लेते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं। एक होता है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो नॉन बेलेबल है, उसकी जमानत नहीं होगी, ठीक है। द पुलिस कैन नॉट ग्रांट बेल एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में पुलिस उसको बेल नहीं दे सकती। द अक्यूज्ड कैन अप्रोच अ मजिस्ट्रेट फॉर बेल इवन बिफोर ट्रायल, ट्रायल से पहले यदि मजिस्ट्रेट से वो अप्रोच करता है तो उसको बेल मिल सकती है। देयर वॉज एन ओवर पावरिंग अर्जेंसी एंड ए कंपेलिंग नेसेसिटी टू ब्रिंग द ऑर्डिनेंस एज द प्रैक्टिस कंटिन्यूड अनअबेटेड डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर लास्ट ईयर। देखिए यहाँ मैं कुछ आपको ग्रामेटिकल चीज़ें बताऊँगा। ओवर पावर से पहले चूंकि वॉबल की साउंड आ रही है इसलिए हमने एन लगाया है, तो ये सही है। यदि आप एन हटा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देयर वॉज एन अनपावरिंग अर्जेंसी, एक अर्जेंसी थी इस लॉ को लाने की, एक ज़रूरत थी, एक अर्जेंसी थी। क्यों थी ऐसा? क्योंकि जो ट्रिपल तलाक का जो कस्टम है वो कंटिन्यू था सोसाइटी में, सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद भी ये कंटिन्यू था, तो इसलिए एक लॉ लाना ज़रूरी था। अ कंपेलिंग नेसेसिटी, ये कंपेलिंग नेसेसिटी बन चुकी थी। ब्रिंग द ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस क्या होता है ये अभी मैं बता देता हूँ आपको। एज द प्रैक्टिस कंटिन्यूड अनअबेटेड, अनअबेटेड का मतलब होता है जिसकी इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं आई, जो जैसा पहले था वैसा ही अभी बना हुआ है, वो उसमें रिडक्शन नहीं है, उसमें कोई डिक्रीज नहीं है, कोई डिक्लाइन नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनअबेटेड, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस अपना क्या होता है? देखिए जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो इंडिया में है, जो डेमोक्रेसी में होती है, वो पार्लियामेंट होती है, और पार्लियामेंट केवल उसी समय लॉ बना सकती है जब वो सेशन में होती है। पार्लियामेंट के कुछ सेशंस चलते हैं, और जब मैं सेशन में नहीं है, सपोज पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और लॉ बनाना ज़रूरी है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस निकालती है और उस पर प्रेसिडेंट का अप्रूवल ले लेती है, ठीक है। तो इसको आप एक टेम्परेरी लॉ बोल सकते हैं ऑर्डिनेंस को। तो यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद टोल्ड रिपोर्टर्स, ठीक है, यहां तक हम सारा पढ़ चुके हैं। और ट्रिपल तलाक क्यों जरूरी था, इसका लॉ बनाना क्यों जरूरी था, ये मैंने पूरा आपको बता दिया है यहां पर। आगे हम देखते हैं, ही सेड 201 केसेस हैड बीन रिपोर्टेड फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री
आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट बैंड ट्रिपल तलाक इन अगस्त 2017। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया था अगस्त 2017 में, उसके बावजूद भी 201 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि लोग अभी भी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे थे और इसको गलत नहीं मान रहे थे, तो इसलिए लॉ लाना ज़रूरी था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है वो हुआ है कंपेलिंग नेसेसिटी एंड अर्जेंसी, इस तरह के वर्ड यहाँ पर यूज़ हुए हैं। ट्रिपल तलाक इन अगस्त 2017, सिंस जनवरी 2017 430 केसेस हैड बीन रिपोर्टेड अंटिल सेप्टेम्बर 13 दिस ईयर। देखिए, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे थे, ठीक है, तो इसलिए इसमें इसको जल्दी से लाना जरूरी था। वॉट इज इम्पोर्टेंट इज दैट द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक कंटिन्यूज इन स्पाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैविंग एनल्ड इट एंड द लोकसभा हैविंग पास द बिल दैट इज पेंडिंग इन द राज्यसभा। यहाँ पर एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट आया है, ग्रामर का कॉन्सेप्ट परफेक्ट पार्टिसिपल उसको बोलते हैं हम, और इसमें हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है ये किसी नाउन के लिए आता है, पार्टिसिपल जो होता है एक एडजेक्टिव होता है, किसी नाउन की विशेषता बताता है, तो नाउन क्या है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हैविंग एनल्ड, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को खत्म कर चुका था। परफेक्ट पार्टिसिपल हम लगाते हैं जब कोई काम खत्म हो चुका हो, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट एक नाउन है, तो इसीलिए ये एडजेक्टिव हुआ, पार्टिसिपल हुआ। लेकिन चूंकि इसमें हैविंग प्लस V3 आ रहा है, हैविंग के साथ हम एनल्ड लगा रहे हैं, तो इसलिए इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसमें इसका मतलब होता है कि कोई काम पास्ट में फिनिश हो चुका था। यहाँ पर हमने लोकसभा के बाद हैविंग पास लगाया है, तो इसका मतलब है कि लोकसभा ने ये बिल पास कर दिया था, उसके बावजूद भी केसेस रजिस्टर्ड हो रहे थे ट्रिपल तलाक के, तो इसलिए लॉ बनाना जरूरी था। बिल क्या होता है? बिल होता है एक सिंपल सा प्रपोजल। जैसे आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, किसी चीज़ को अरेंज करते हैं, तो आप सबसे पहले उसको एक कागज़ पर लिख लेते हैं, उसकी एक प्लानिंग बनाते हैं, एक प्रपोजल बनाते हैं, तो वो होता है बिल। बिल का मतलब है सिंपल एक ड्राफ्ट या प्रपोजल। ठीक है, ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक टेम्प्रेरी लॉ होता है, क्योंकि पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती। पार्लियामेंट लॉ इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि वो सेशन में नहीं है, जब वो सेशन में होगी तभी उसके ऊपर लॉ बन पाएगा। ठीक है, और लॉ अगर बनाना जरूरी है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस पास करती है, उस पर प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेती है और वो एक लॉ बन जाता है। वो एक टेम्प्रेरी लॉ रहता है, जब तक उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं मिल जाता है तब तक वो एक टेम्प्रेरी लॉ रहता है। वी ऑल हैव द एविडेंस एंड ए सीरीज ऑफ पेपर्स इन दिस रिगार्ड, मिस्टर प्रसाद सेड। मिस्टर प्रसाद जो हैं, रविशंकर प्रसाद, ये हैं यूनियन लॉ मिनिस्टर। ठीक है, द लॉ मिनिस्टर अटैक द कांग्रेस। देखिए, एक चीज यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट आ रहा है यहां पर। द लॉ मिनिस्टर अटैक्ड, अटैक्ड के बाद जब अटैक का प्रयोग वर्ब की तरह होता है तो इसके बाद हम कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते, लेकिन जब अटैक का प्रयोग नाउन की तरह होता है, जैसे एन अटैक ऑन इंडिया, एन अटैक ऑन माय इंटीग्रिटी, जब अटैक का प्रयोग नाउन की तरह होता है तो इसके बाद आप प्रपोजिशन ऑन लगा सकते हैं, लेकिन वर्ब की तरह जब होता है तो इसके बाद आप कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। द लॉ मिनिस्टर अटैक द कांग्रेस सेइंग इट वॉज नॉट सपोर्टिंग द बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बिकॉज ऑफ वोट बैंक प्रेशर्स। ही ऑल्सो अपील टू कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, BSP चीफ मायावती एंड बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी टू सपोर्ट इट इन द नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन। ठीक है, गवर्नमेंट ने सभी पार्टी से बोला है कि इसको सपोर्ट करें, ये गलत चीज़ है और इसको हम अप्रूव करना चाहते हैं, इसके ऊपर हम एक एक्ट बनाना चाहते हैं। तो ये इसका मतलब है। और अब यहाँ पर हम सारी वोकैबलरी यूज़ कर, जो इसमें यूज़ हुई है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस एक क्राइम होता है, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी होती है उसको हम ऑफेंस बोलते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, बेल क्या होता है? बेल एक जमानत होती है जिसमें जो मुजरिम होता है वो कोर्ट से बोलता है कि ठीक है, मुझे माफ़ किया जाए, मेरे को जमानत दी जाए, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं एक सिक्योरिटी रख रहा हूँ आपके पास, और यदि आइंदा ऐसी मैं गलती करूँ तो मुझे माफ़ नहीं किया जाए, वो होता है बेल। ठीक है, अग्रीव, जो व्यक्ति विक्टिम है, जिसके ऊपर कोई अपराध हुआ है, जो दुखी है, प्रताड़ित है, वुंडेड है, डिस्ट्रेस है, दुखी है,
उसको हम बोलते हैं अग्रीड। असेंट का अर्थ होता है अग्री, ठीक है, इसके लिए एक वर्ड और है एक्यूइस। सेफ गार्ड का अर्थ होता है प्रोटेक्शन, या शेल्टर भी हम इसको बोलते हैं, शेल्टर। नॉन बेलेबल मतलब जिसकी जमानत नहीं हो सकती, नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब जिसकी जमानत नहीं हो सकती। ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक टेम्परेरी लॉ होता है। अनअबेटेड मतलब जिसमें कोई कमी नहीं आई है, जिसमें कोई कमी नहीं आई है उसको हम बोलते हैं अनअबेटेड। एनल्ड का क्या अर्थ है, एनल्ड का अर्थ होता है डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जिसको इनवैलिड माना गया है उसको हम बोलते हैं एनल्ड, और इसका जो एंटोनिम होगा एनल्ड का वो होगा वैलिड, ठीक है। यहां पर इसी पैराग्राफ में से, इसी आर्टिकल में से मैंने स्पॉटिंग करके क्वेश्चन लिए हैं, तो यहां पर आपको एक काम करना है, एक वीडियो को, इस वीडियो को पॉज करना है और 30 या 40 सेकंड में, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको, 30 या 40 सेकंड में इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इसके किस पार्ट में एरर है आपको ये बताना है, और उसके बाद हम इन इनके सारे जो आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे जस्टिफिकेशन के साथ। तो आपको इस वीडियो को पॉज करना है, तीनों क्वेश्चन आप देखिए और तीनों क्वेश्चन के एक मिनट के अंदर आंसर आपके सामने आ जाने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके आंसर्स। द यूनियन कैबिनेट सही है, यूनियन कैबिनेट से पहले हम द लगाते हैं तो ये सही है। ऑन वेंसडे, डे से पहले हम ऑन लगाते हैं तो ये सही है। क्लियर्ड सही है। ऑर्डिनेंस से पहले एन लगा हुआ है, सही है। दैट मेक्स, ऑर्डिनेंस सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर मेक्स लिखा हुआ है, सही है। तलाक ए बिद्दत और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक क्रिमिनल ऑफेंस। देखिए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ऑफेंस जो है ये एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो क्रिमिनल ऑफेंस से पहले हम यहां पर लगाएंगे अ क्रिमिनल ऑफेंस, यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए क्रिमिनल ऑफेंस, ये इसमें गलती है, बाकी सब कुछ इसमें सही है। और इसी तरीके की माइनर मिस्टेक्स, पर्टिकुलरली बैंकिंग एग्जाम्स में इस तरह की मिस्टेक्स काफ़ी पूछी जाती हैं, ठीक है। क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस मतलब ऑफेंस नाउन है, क्रिमिनल एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव और नाउन का जो कॉम्बिनेशन होता है और यदि वो काउंटेबल है तो उससे पहले यहाँ पर हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें किस पार्ट में गलती मानी जाएगी, क्या आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। द न्यू लॉ हाउएवर इनकॉर्पोरेट्स, न्यू लॉ सिंगुलर है तो इधर इनकॉर्पोरेट्स लिखा है हमने जो कि सही है। सेफ गार्ड्स सही है। इंक्लूडिंग अ प्रोविजन टू इंक्लूडिंग, देखिए इसमें क्या गलती निकाली है अब मैं बताता हूं आपको। प्रोविजन इंक्लूडिंग ए प्रोविजन, किसी चीज के लिए जब हम व्यवस्था करते हैं तो वी मेक प्रोविजन फॉर समथिंग, वी मेक प्रोविजन फॉर समथिंग, तो यहां पर टू के स्थान पर इसमें हम लगाएंगे फॉर, और बी इसमें आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। व्हाइल इंस्टेंट ट्रिपल तलाक विल कंटिन्यू टू बी अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, द पुलिस कैन नॉट ग्रांट बेल एट द पुलिस स्टेशन। अक्यूज, द अक्यूज का क्या मतलब है, द अक्यूज का क्या मतलब है, ये मैंने आपको बताया था कि अक्यूज का मतलब है कि इसमें कोई, अक्यूज का मतलब है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, तो इस अक्यूज को आपको चेंज करना पड़ेगा अक्यूज्ड, द अक्यूज्ड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, ठीक है। तो यही इसमें गलती है और सी इसमें आपका आंसर होगा। आई होप ये सारी एरर्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब यहां पर भी आपको 60 सेकंड का टाइम लेना है, मैक्सिमम टाइम 60 सेकंड लेना है और इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप वीडियो को पॉज कर दें और इसके आंसर्स को ढूंढें। अब हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को, इनके आंसर्स को और आंसर्स का जस्टिफिकेशन को। देखिए, व्हाइल इंस्टेंट ट्रिपल तलाक विल कंटिन्यू टू बी अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, द पुलिस कैन नॉट ग्रांट बेल एट द पुलिस स्टेशन, द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड तो सही है, कैन अप्रोच अ मजिस्ट्रेट, ही कैन अप्रोच अ मजिस्ट्रेट, बट फॉर वॉट, फॉर वॉट ही कैन अप्रोच द मजिस्ट्रेट, ही कैन अप्रोच द मजिस्ट्रेट फॉर बेल, नॉट फ्रॉम बेल बट फॉर बेल, ठीक है। तो डी यहां पर आपका सही आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसके आगे हम देखते हैं, ही सैड 201 केसेस वर रिपोर्टेड from across the country after the Supreme Court banned triple talaq in August 2017। इस क्वेश्चन, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है
और बैंकिंग और एसएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। देखिए यहां पर लिखा है हमने बैंड, यहां पर एक वर्ड आया है आफ्टर, तो आफ्टर और बिफोर जो वर्ड हैं ये हम कहां पर यूज करते हैं, जब दो एक्शन होते हैं तो आफ्टर और बिफोर वर्ड हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि दो काम होते हैं, ठीक है, तो एक काम जो पहले खत्म हो चुका था उसको हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरे काम को लिखते हैं हम पास्ट सिंपल टेंस में, जिसको हम बोलते हैं V2। तो यहां पर ये है V2 बैंड, ठीक है, लेकिन इससे पहले कुछ काम हो चुका था। ही सेड 201 केसेस वर रिपोर्टेड फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट बैंड। सुप्रीम कोर्ट के बैन करने के बाद, ठीक है, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट बैन मतलब सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज को बैन किया लेकिन उससे पहले यह काम हो चुका था। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट बैन ट्रिपल तलाक इन अगस्त 2017। तो इसमें यहां पर वर के स्थान पर हम लगाएंगे हैड बीन रिपोर्टेड। ही सेड 201 केसेस हैड बीन रिपोर्टेड फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट बैन ट्रिपल तलाक इन अगस्त 2017। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। और इस तरीके से यहां पर हम एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, हैविंग प्लस V3 जो होता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, और इसका मतलब है कि कोई काम खत्म हो चुका है। ये नाउन की विशेषता बताएगा, चूंकि पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव होता है इसलिए ये नाउन को क्वालिफाई करेगा। जैसे आप यहां पर देखिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक कंटिन्यूज इन स्पाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैविंग एनल्ड इट एंड द लोकसभा हैविंग पास्ड। सुप्रीम कोर्ट के बाद आया है हैविंग एनल्ड और लोकसभा के बाद आया है हैविंग पास्ड। ये दोनों ही परफेक्ट पार्टिसिपल के एक एग्जाम्पल हैं। और इसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले इसमें एक नाउन की तरह आया है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट एक नाउन की तरह काम कर रहा है और यहां पर लोकसभा एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो इसमें हमने एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी लिया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो क्लास? इस वीडियो क्लास के बारे में अपना फीडबैक, अपना ऑनेस्ट फीडबैक मुझे आप जरूर दीजिए व्हाट्सएप पर और इन ईमेल आईडी के थ्रू। और इस तरह के द हिंदू बूस्टर सीरीज के जो दूसरे टॉपिक्स हैं वो अगले वीडियो क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।